हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपलब्धि कक्षा 3 व 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। भाग एक, नीचे दी गई कहानी पढ़ें। भालू यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाते हैं। वे छोटी पूंछों, मोटी टांगों एवं भारी शरीर वाले होते हैं। भालू वास्तव में मांसाहारी नहीं होते, वे लगभग सभी चीज़ें खाते हैं। इनमें मुख्य अपवाद ध्रुवीय भालू है, जो अपनी प्राकृतिक स्थिति में मछली और सील खाकर जीवित रहता है। हालांकि कैद में वे मांस, सब्जियां, फल, दूध, चावल और दलिया का आनंद लेने लगते हैं। भालू इतने खतरनाक नहीं हैं जितनी लोग उनकी कल्पना करते हैं। यह अधिकांश जानवरों की तरह है, वे मानव से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि भालू किसी भी तरह से कायर जानवर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भालुओं में गंध सूंघने की एक ज़बरदस्त क्षमता होती है, लेकिन उनकी आँखों की दृष्टि कमज़ोर होती है। वे सुनने में भी सुस्त होते हैं, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर भालू के बारे में बताया गया है। भाग एक पढ़ने के बाद अब नीचे 5 प्रश्न हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। तो चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को घेरा लगाएं। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों के सही विकल्प पर घेरा लगाना है। पहला, भालू कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ सही विकल्प है घ, उपरोक्त सभी। भालू अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, तो घ पर हम घेरा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक भालू कैद में क्या खाता है? तो यहाँ सही विकल्प है क, दूध। तीसरा, भालू सब जानवरों की तरह किससे बचते हैं? तो यहाँ सही विकल्प है ख, मानव। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, भालू की सबसे मजबूत शक्ति क्या है? तो यहाँ सही विकल्प है ग, गंध। पांचवा, भालू किस तरह का जानवर है? तो यहाँ सही विकल्प है क, बुद्धिमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाग दो करते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखो। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चित्र दिया गया है, जिसमें बिस्तर पर एक रोगी लेटा हुआ है और कह रहा है, मैं शीघ्र ठीक कैसे हो सकता हूँ? तो सफ़ेद कोट वाला जो डॉक्टर है, वह कहता है, राम, आप उचित विश्राम, दवाइयाँ और संतुलित आहार लेकर शीघ्र ठीक हो सकते हैं। चित्र को देखने के बाद चलिए अब नीचे दिए गए प्रश्नों को करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को घेरा लगाएं। छठा प्रश्न, सफ़ेद कोट में कौन व्यक्ति है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, शिक्षक, दुकानदार, ड्राइवर, डॉक्टर। तो यहाँ सही विकल्प है डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां, रोगी डैश पर आराम कर रहा है। तो यहाँ सही विकल्प है क, अस्पताल के बिस्तर। आठवां, डॉक्टर की सहायता करने वाला व्यक्ति कौन है? तो यहाँ सही विकल्प है क, नर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां, ऐसे में मरीज जल्दी ठीक कैसे हो सकता है? तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं क, आराम करके, ख, संतुलित आहार लेकर, ग, उचित दवाइयाँ लेकर, घ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सही विकल्प है घ, उपरोक्त सभी। दसवां, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो यहाँ सही विकल्प है क, राम, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ राम व्यक्ति का नाम है, तो संज्ञा शब्द राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें। बंदर खेलना पसंद करते हैं। बंदर पेड़ों पर रहते हैं। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना पसंद करते हैं। उनकी पूंछ लंबी होती है। वे केला खाना पसंद करते हैं। बंदरों के एक समूह को सेना कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर बंदर के बारे में बताया गया है कि बंदर खेलना पसंद करते हैं, बंदर पेड़ों पर रहते हैं, वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना पसंद करते हैं, उनकी पूंछ लंबी होती है, वे केला खाना पसंद करते हैं और
बंदरों के एक समूह को सेना कहा जाता है। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। 11वां प्रश्न, बंदर कहाँ रहते हैं? तो यहाँ सही विकल्प है क, पेड़। 12वां, बंदरों को क्या खाना पसंद है? तो यहाँ सही विकल्प है ख, केला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां, बंदरों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो यहाँ सही विकल्प है ग, सेना। 14वां, बंदरों की एक लंबी डैश होती है? तो यहाँ सही विकल्प है ख, पूंछ। 15वां, पसंद का विपरीतार्थक शब्द क्या है? बच्चों, विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम, अर्थात उल्टा क्या है? तो यहाँ पर सही विकल्प है क, नापसंद। पसंद का विपरीतार्थक नापसंद। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।